हेलो दोस्तों, मैथ क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग दो नंबर वाला केमिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि नहीं पूछिए। ये पीरियोडिक टेबल का ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है क्यों। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है क्यों। और दूसरा सवाल है कि फ्लोरीन के असंगत होने के कारण फ्लोरीन में क्या ऐसा गुण है जो कि इसको असंगत करता है, इसके अपने ब्लॉक के तत्वों से असंगत करता है। ये किस ब्लॉक का तत्व है, ये पी ब्लॉक का है, कौन सा कॉलम का, ये 17 के तत्व, कौन सा वर्ग के है, वर्ग 17 के तत्व फ्लोरीन। और याद करने का ट्रिक क्या बताए थे, फिर कल बाहर आई अंटी, फिर कल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटिन, फिर कल बाहर आई एंटी, बताया था आप लोग को। नहीं वीडियो देखेंगे तो ट्रिक से है, लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। फिर कल बाहर आई एंटी याद करने का ट्रिक था, तो आइए इसको देखते हैं। फ्लोरीन के संगत होने का कारण है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन, सी एल मतलब क्लोरीन, एफ एल मतलब फ्लोरीन, ये पर लिखे सी एल मतलब क्लोरीन, एफ मतलब फ्लोरीन, ये तो लिख दिए आप लोग समझ गए होंगे। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन के आकार छोटा होने के कारण। एक ऑब्जेक्टिव बन गया, क्या बन गया कि फ्लोरीन के आकार क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण इसके छोटे 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के मध्य विकर्षण बल अधिक होने से बाह्य इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम हो जाता है। इसके छोटे 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के मध्य विकर्षण मतलब का भागने वाला, विकर्षण मतलब भागने वाला, सटेगा नहीं, विकर्षण अधिक होने से क्या चीज़, अधिक होने से बाह्य इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा उस पर आकर्षण बल कम हो जाता है। जब भागेगा तो आकर्षण बल क्या होगा, कम ही ना होगा, विकर्षण में क्या होगा, ये विकर्षण इधर जा रहा है तो इसके बीच का आकर्षण क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो यही है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन का सबसे पहला कि आकार कम है मतलब छोटा है, और इसके 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में के मध्य विकर्षण बल होता है, क्या लगता है, विकर्षण बल लगता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन के बाहर आकर्षण बल की वैल्यू कम हो जाती है, आकर्षण बल कम लगता है, इसी कारण से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। और इसका दूसरा है कि फ्लोरीन का संगत होने के कारण, तो इसमें आपको एक वो लिखवा दिए, याद कीजिए क्या लिखवाएं, इसका आकार छोटा होता है, क्या होता है, आकार छोटा होता है, यही लिखे फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है, फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है। और दूसरा है कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ऊँच होती है, फ्लोरीन की बहुत विद्युत ऋणात्मकता ऊँच होती है, बहुत अपने ये अपने वर्ग में सबसे ज़्यादा किसका होता है, क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, कहीं कहीं क्या होता है, यही तो अपवाद है केमिस्ट्री में, यही अपवाद है कि ये ऊपर है तो भाई इसका नहीं है, इसका है नहीं, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है तब फ्लोरीन का होता है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आता भी है तो ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, एक ही रहेगा कोनो, ये अपवाद में इसलिए, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ऊँच होती है। और तीसरा है कि असंगत कारण क्यों इस टाइप का बिहेव करते हैं, क्यों इस टाइप के व्यवहार करता है, जिसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। डी ऑर्बिटल कहने का मतलब फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन की लिखिएगा तो कैसे निकालिएगा, डी ऑर्बिटल 1s2 करके 1s2 2s2 2p6 3d10 इस टाइप से निकालिएगा ना, तो इसमें डी वाला नहीं है, जो डी है ना नहीं आएगा, क्या आएगा, डी नहीं आएगा, क्यों नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन का भाई कितना होता है, परमाणु संख्या कम होता है, इसलिए डी ऑर्बिटल नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, पीए तक रह जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगे होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। और हाँ, ट्रिक से रिलेटेड जितना भी वीडियो बनाते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करें, आप लोग नहीं कर पाते हैं तो चलिए ठीक है।